नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम बात करने वाले हिमालयन BS3 एंड BS4 के बारे में। तो मेरे साथ हैं यहाँ लक्ष्य भैया बॉन्ड टू राइट से बहुत आज। तो आज हम बात करेंगे, लक्ष्य भैया के पास है BS4 हिमालयन 2019 वर्जन और मेरे पास है 2017 वर्जन BS3 मॉडल। तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से गाड़ी आज के टाइम पे बेटर है या पहले थी वो बेटर है। पर पहले के रिव्यूज तो मैंने बेकार ही सुना बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग के दौर पे गाड़ियाँ, मतलब ज़्यादातर लोगों का कहना ये था कि जो स्टार्टिंग पे मॉडल आया था वो ख़राब है। तो आज के टाइम पे अपनी गाड़ी में आपको क्या चीज़ ख़राब लगती है? भाई कमी तो मतलब एक व्यक्ति इसके हैंडल करने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में वही समझ नहीं आती किस टाइप की प्रॉब्लम। मतलब ब्रेक मारो अगर हैंडल जर्क करता है, टक 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 आती है आगे से, तो काफ़ी लोग कहते हैं कौन सी की प्रॉब्लम है उसके अंदर, पर वो कहते हैं चलिए वो चीज़ अभी हम आगे थोड़ा कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि फीचर्स के बारे में कि BS4 में क्या फीचर्स हैं और BS3 में क्या फीचर्स। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमारा मतलब फ्यू कार्बोरेटर नहीं होता, सेंसर या फ्यूल पंप जो यहाँ पर लगा है फ्यूल पंप, और कार्बोरेटर की जगह थ्रॉटल बॉडी होती है। कार्बोरेटर की जगह सेंसर रहता है, फ्यूल सेंसर होता है। वहीं पर BS3 के अंदर पेट्रोल टी रहती है और एक कार्बोरेटर बॉडी रहती है पूरी। BS4 के अंदर जो सबसे यूनिक और नया फीचर्स है वो है इसका ABS। यहाँ पर एक ABS की मोटर दे रखी है जो काफ़ी अच्छी आज के टाइम पे या आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करती है। यहीं पे BS3 के अंदर सिर्फ नॉर्मल हमारे डिस्क ब्रेक रहते हैं और वो थोड़े से ब्रेक मारने पे टायर लॉक हो जाता है और स्किड का प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर। पर देखेंगे कि BS4 की स्टार्टिंग अच्छी है या BS3 की। तो सबसे पहले इग्निशन ऑन कर दिया है, अब एक बार देखते हैं कि BS4 की स्टार्टिंग कैसी है। तो बाइक काफ़ी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करती है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। BS3 की स्टार्टिंग कैसी है? थोड़ा सा फ़र्क है BS3 के अंदर अकॉर्डिंग टू BS4, जल्दी स्टार्ट होती है मेरे को तो ऐसा लगता है। आप लोग एक बार फिर से गैस करिए कि किसकी स्टार्टिंग ज़्यादा बेटर है। मेरे को लगता है कि BS4 स्टार्टिंग के मामले में काफ़ी बेटर है और जल्दी ही स्टार्ट हो जा रही है। अब एक बार देखेंगे कि क्या ABS जो ब्रेक लॉक होता है BS4 में लॉक होता है या नहीं होता है। तो लक्ष्य भैया सबसे पहले BS3 को चला के देखेंगे और बताएंगे कि टायर लॉक होता है या नहीं होता है, या स्कीट मारता है या नहीं मारता है। देखिए पूरा टायर स्कीट मारता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि BS3 के ब्रेक मारने पे कैसे स्किड मारता है टायर, और अब हम देखेंगे इसके गियर बहुत हार्ड है। ओके, अगर मेरी बाइक में लिया जाए तो इसके गियर बहुत ज़्यादा मक्खन। चलिए अब आप दिखाइए कि आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक मारने पे मेरी बाइक पे ट्राई कर। तो उसमें हो क्या रहा है कि पेंडल ऊपर नीचे होता है और तो जर्क करेगा बिल्कुल, और बिल्कुल टायर हमारा स्किट नहीं करता है। ये फायदा है ABS और ABS। वैसे ऑफ रोडिंग में मिशन ऑनली ABS पर ही चीज होती है अगर आप कुछ ऑफ रोडिंग। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर फाइनल? अभी एक वायरल हो रही है एक पोस्ट, आने वाले टाइम पे ABS तो सब में होना, सब में ABS आ ही जाएगा। ओके, आप बल्कि 150 cc जो ऊपर की स्कूटी है उसमें भी ABS आने वाला है। काफ़ी स्कूटीज में तो आ गया है प्रीविया वगैरह में, जो कि आपके लिए बेटर है। तो हिमालयन बेटर रहेगी अगर कोई लेना चाहता है तो? अभी रुक जाओ, शायद इसका नया वेरिएंट भी आने वाला है। अच्छा, हवा उड़ रही है 650 cc की आने वाली है, देखो क्या होता है।
अगर बैटर बात करी जाए तो आज के टाइम में जो ABS गाड़ी है उसकी स्टार्टिंग पावर गियरिंग ब्रेकिंग हर एक चीज़ काफ़ी बेटर है। और तो फिर आज के टाइम में अगर दोनों गाड़ियों के अकॉर्डिंग बात करें कि कौन सी ज़्यादा बेटर है तो हिमालयन सीधी बात है बेटर है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बेटर हो चुके हैं, इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। पर अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ टाइम और वेट करिए, क्योंकि इसमें एक नया वेरियंट आने वाला है, जैसे लक्ष्य भाई ने बोला है 650 आने वाला है शायद, या अफवाह उल्टी है, तो कुछ टाइम अगर वेट कर सकते हैं जल्दी आपको गाड़ी मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।